अस्सलामुअलैकुम। तो क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो जो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो नए यूट्यूबर है हमारे लिए या जिनका 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उनका वॉच टाइम पूरा नहीं, क्योंकि आज की जो वीडियो वो है वॉच टाइम की रियलिटी। आप कैसे अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि अगर आपके 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए, आपके 2000 घंटे पूरे हो गए, आपको करने 4000 घंटे, वो 7 दिन के अंदर अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको तो पता है कि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए, लेकिन क्या था कि मुझे अपना वॉच टाइम पूरा करना था। वॉच टाइम पूरा करने के लिए मुझे टाइम लग जाता भाई, मेरी अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो वायरल जाए और मुझे अपना वॉच टाइम गेन हो। लेकिन जल्दबाजी में मैंने शॉर्टकट मारने के चक्कर में मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 102 दिन में मेरा बहुत, मतलब कि ज़्यादा मैंने वॉच टाइम गेन कर लिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले मेरा जब 1K सब्सक्राइब पूरा हुआ तो वो इतना था वॉच टाइम, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपको A to Z आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने कौन सा तरीका अपनाया, किस किस चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ी। A to Z मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ, मिस नहीं करना आपको वीडियो को, बिल्कुल मिस, क्योंकि आप मिस करोगे तो शायद आप सीख ना पाए। तो वीडियो को एंड तक हम इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है मल्टी व्यू ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक एप्लीकेशन आ जाएगा मल्टी व्यू ब्राउज़र, तो हम इसको सिंपली अभी क्या करेंगे कि डाउनलोड कर देंगे, ठीक हो गया। अब जैसे ही इसको हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरे पास फिलहाल मैंने इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन मैं खुद पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या है कि ये आपसे कुछ, मतलब कि लैंग्वेजेस वगैरह आपको सेट करनी है, मतलब कि जिस भी ज़बान में आपको बात करने आती हो तो वो आप जो है इस पर लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो मैं सिंपली जो है ना इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह वो सारी अप्लाई करने के बाद इसके जो है ना लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें साइन इन करना है, ये याद रखना है। और साइन इन उस अकाउंट से करो जिससे आप ज़्यादातर मतलब कि अपनी वीडियोस देखते रहा करो, या अपने फैमिली के या किसी भी मेंबर के अपने इससे जो है ना अकाउंट लॉगिन कर दो। याद रखना आपको उससे लॉगिन नहीं करना जिस पे आपका चैनल बना हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पर यूट्यूब सर्च करें, यूट्यूब सर्च करने के बाद तो आपको पता है कि यहाँ पर यूट्यूब पर आप क्लिक करें और आपको दोनों टैब्स पर यही करना है, मतलब कि जितने भी आप स्क्रीन्स रख रहे हो वो आपके ऊपर है। यहाँ पर दूसरे पर मैं जो है ना यूट्यूब सर्च करूँगा और ऊपर अपना चैनल सेलेक्ट करूँगा, जैसे अभी मैं अभी लाइव आया था वो अपनी यहाँ पर वीडियो चला दूँगा। अब यहाँ पर आप सिंपली चेक करें कि 16 व्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैं इसमें नीचे वाले पे भी चला दूँगा और आपको लाइक, तो जो है ना वीडियो को एक ही बार करोगे तो ऐसे समझो दोनों तरफ से लाइक हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे वाली स्क्रीन पर भी मैं अपना क्या करूँगा, लाइव चला दूँगा, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं अपना लाइव ढूँढ रहा हूँ, तो कहाँ गया यार ये वीडियोज़, एंड ये गया मैं अपनी लाइव सेक्शन में और ये यहाँ पर आ गया मेरा लाइव, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं अपनी वीडियोस को चला दूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वीडियो को चलाकर छोड़ दो आप, ठीक है। आप कहीं पर किसी काम से जा रहे हो, मतलब कि इससे ये होगा अगर आप वीडियो को एक बार व्यू कर रहे हो दो बार देखने का सवाब है, मतलब कि सिंपली ये तो कि ये स्क्रीन 2 और अभी स्क्रीन 1 चलाते हैं, ये मतलब कि स्क्रीन 1। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल स्क्रीन्स मुझे देखनी है, अगर मतलब कि 3 स्क्रीन, मतलब ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिपल व्यू, मतलब कि एक बार देखने से 3 बार देखने का सवाब, अब तो तीसरे में भी मैं यही करूँगा कि यहाँ पर यूट्यूब वगैरह सर्च करने के बाद यहाँ पर अपनी वीडियोस में मैं चला जाऊँगा। और एक और तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोगों को मुश्किल देखने को मिली जो मुझे देखने को मिली, लेकिन सिंपली मैंने कोई ना कोई इसका जुगाड़ ढूंढ लिया। तो यहाँ पर अभी आपको एक ये सीन देखने को मिला, अगर आप एक वीडियो चलाते हो, ठीक है, तो उसके बाद पिछली जो 2 वीडियोस है वो पॉज हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चलाऊँगा तो यहाँ पर इससे पहले वाली जो भी हैं वो सिंपली पॉज हो जाएंगी। इसका तोड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं ऊपर वाली स्क्रीन को चलाऊँगा तो यहाँ पर मुझे, मैंने बहुत ही कोशिश की थी लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको चला सकते हो 3 स्क्रीनों के एक साथ। यहाँ पर आपको नीचे प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा राइट साइड पर नीचे, ठीक है। अब इस प्लस में जाएँ, वहाँ पर आपको रिसर्च, मतलब कि ऐसे कोई जो है ना तीर नज़र आएगा, उसको आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा रिफ्रेश हो जाएगा और उसके बाद 3 स्क्रीनें चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि 3 से ज़्यादा स्क्रीनें चलाना तो आप यहां पर चला सकते हो। अब देखो वहां पर मेरे कितने व्यूज़ थे, 16 व्यूज़ थे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मेरे कितने 27 व्यूज़ हो गए, क्योंकि इसी दौरान कुछ लोगों ने बाकियों ने भी देखा होगा लाजमी। और तो उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो होगी वो आपको जरूर समझ में आई हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हासिल हो या थोड़ा सा भी फायदा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एम करते हैं 100 लाइक का, बहुत ही ज्यादा लेकिन फिर भी कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर दो।
और एक और अपडेट आया है यूट्यूब का, वो शायद आपने सुना होगा कि एड्स आने लगे हैं। अब ऐसे में ये है कि आपको जो है सब्सक्राइबर भले ही आपके पूरे नाम, मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं लेकिन मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं है। फिलहाल जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं हुआ, फिर भी मेरे वीडियोस पर एड्स आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।